हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का शीतल उत्तराखंडी ब्लॉग में। और सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और 2023 की तरह ये 2024 भी अच्छे तरीके से आप सभी का बीते दोस्तों। और ना नए साल की शुरुआत करते हैं कुछ मीठा बनाकर। तो चलिए बनाते हैं मेरे किचन में कुछ मीठा, मतलब कि गाजर का हलवा बना रही हूँ मैं आज। नए साल की शुरुआत ही कर रही हूँ मैं गाजर के हलवे के साथ। और सबसे पहले मतलब एक बार फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, ये मैंने ना लाल कलर की ना गाजर ले रखी है और हलवा बनाने के लिए। तो ये अभी आपको मैं बता रही हूँ। और ये कद्दूकस चाकू, मैं इस पर ना कद्दूकस करूँगी अभी सारा। दोस्तों ये देख लीजिए कितनी लाल है ये गाजर। यहाँ पे ना मेरा बेटा लगा हुआ है यहाँ छिलने पे। क्या कर रहा है? छिल रहा हूँ। क्या खाएगा तू? गाजर का हलवा। तो देख लीजिए, अभी देख लीजिए कैसा लगा हुआ है। छिल छिल छिल। और ये ना लाल वाली एकदम बहुत ही ज़्यादा ना अच्छी गाजर है ये। ये देख लीजिए एकदम लाल और एकदम जूसी ना, कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरीके का गाजर लाना चाहिए हलवे के लिए। और यहाँ पे ना मेरा बेटा लगा हुआ है और अभी ना मैं छिलूँगी। अभी इसका बस का नहीं है, इसी तरीके से सारे छिल लूँगी तब आपको बताती हूँ। ये अभी आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये ना गाजर पूरी छिल गई है, ये अभी आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये अभी आप देख सकते हो, मैंने ना एक कटोरे भर के घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और ये कद्दूकस किया हुआ गाजर है दोस्तों। तो मैं इसमें ना इसको ऐड कर लूँगी सारा। मैं इसमें ये गाजर जो है सारा मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया, हलवा बनाने के लिए ना एकदम रेड कलर की गाजर लेनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा इसमें तैयार होता है। तो ये अभी आप देख सकते हो, मैंने अच्छे से इसको मिला दिया था घी में और मैं इसमें लगा दूंगी ढक्कन दोस्तों। और तो अभी मैं हटा रही हूँ इसका ढक्कन आपके सामने ही। और बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा था क्योंकि अभी ना मॉर्निंग का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा था, तो इसलिए कुछ साफ ना दिखाई नहीं दे रहा था दोस्तों। तो मैंने अच्छी तरीके से इसको मिला दिया था घी में। अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 1 लीटर दूध ले रखा है दोस्तों। 1 लीटर दूध में 1 किलो गाजर में ना 1 लीटर दूध लग जाता है। तो ये अभी आप देख सकते हो इतना सारा दिख रहा है। और ये ना पूरा दूध और पूरा गाजर ही अच्छी तरीके से इसमें मिलना चाहिए और एकदम सारा दूध को सुखाना है इस गाजर में। तो ये अभी आप देख सकते हो। वैसे ना गाजर का हलवा कई तरीके से बनता है, लेकिन जो गाजर का हलवा कद्दूकस करके बनता है वैसे नहीं होता है और तरीके का दोस्तों। तो ये अभी आप देख सकते हो आधा पक गया था ये गाजर का हलवा। अभी ये देख सकते हो दूध ना कितने ऊपर था और कितने कम हो गया है। तो इसी तरीके से मैं जब पूरा बना दूंगी तभी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं बीच बीच में बता रही हूँ आपको। तो धुआं भी बहुत हो रहा था और इस गाजर के हलवे को बनाते बनाते ना बहुत टाइम लग गया था दोस्तों। और अभी मैं ना इसमें थोड़ा सा घी बाद में ऐड करूँगी। और बिना मावा का भी ना बहुत अच्छा गाजर का हलवा बन के तैयार हो जाता है मलाई वाले दूध से दोस्तों। तो मैं इसमें अभी घी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा घी ऐड नहीं किया मैंने, और पहले शुरू में ही मैंने ज़्यादा घी ऐड कर दिया था। अब मैं इसमें थोड़े से बादाम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अगर काजू वगैरह जैसे और पिस्ता वगैरह हो तो आप ऐड कर सकते हो। मेरे पास थे लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किए हैं दोस्तों। तो ये अभी आप देख सकते हैं ये हलवा लगभग तैयारी है। अभी थोड़ा सा और रखूँगी मैं इसको और ये हलवा बनके तैयार हो जाएगा। बहुत टाइम लग जाता है गाजर के हलवे में, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है दोस्तों। सर्दियों में एक बार ज़रूर खाइए इस तरीके से गाजर का हलवा बना करके दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा 2024 का सुबह का नाश्ता दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा ना टेस्टी बनके तैयार हुआ था दोस्तों। और मैं आपको बता भी रही हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा 2024 का फर्स्ट नाश्ता दोस्तों, ये देख लीजिए। और मेरा बेटा भी यहाँ पे ना खा रहा है और ये देख लीजिए। तो ये है मेरा 2024 का फर्स्ट नाश्ता। अब ये मैंने बनाया है बिग पराठा। ये बिग पराठा और ये आलू प्याज की पकौड़ियाँ, ये मैंने नहीं बनाई है, ये मेरी पड़ोसी ने दी है। और मैंने मिक्स सब्जी, गाजर का हलवा, आलू का पराठा
ये है मेरा 2024 का एकदम यमी सा नाश्ता। हालांकि लेट हो गया, मतलब 11 बजने वाली हैं, लेकिन बहुत टेस्टी नाश्ता बनके बनाया मैंने आज। तो चलिए दोस्तों, नए साल की शुरुआत करते हैं कुछ मीठा खाकर। देख लीजिए ये हलवा खाकर। एकदम टेस्टी सा बना हुआ है गाजर का हलवा। आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, और बिना मावे के मलाई वाले दूध से भी अच्छा वो बन जाता है, अच्छा गाजर का हलवा बन जाता है दोस्तों। तो चलिए मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ना टेस्टी बन रखा है और मेरे से ना रहा नहीं जा रहा है। तो जल्दी जल्दी करते हैं अपना नाश्ता फिनिश। दोस्तों ये हमारी 2024 की चाय, शाम की चाय, और ये है चाय के साथ के पकोड़े, और सुबह को भी मैंने बताए, और ये इन्होंने बनाए ये पकोड़े, सुमति देवी इसने बनाए ये पकोड़े, आरा बीबी लाई खाने के लिए। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कुर्सी लगा रखी है। तो दोस्तों ये खा रहे हैं यहाँ पे पकोड़े, हैप्पी न्यू ईयर बोल, और वहाँ पे आप देख रहे हो वहाँ पे ना आज नए साल के दिन लगाई है मैंने तुलसी, आपको मैं बता रही हूँ। ये यहाँ पे मैं उठ नहीं पा रही हूँ इसलिए। यहाँ देख लगी हुई है यहाँ पकोड़े खाने पे। सुमति देवी हैप्पी न्यू ईयर बोल दे सबको, सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल सुमति की ओर से। दोस्तों चाय पीने के बाद ना अभी मैं आ गई हूँ रूम पे, और ये दूध कर रही हूँ अभी गरम। और दोस्तों ये अभी आप देख सकते हो दूध आ गया है ऊपर, और दूध ना जब उबाल आता है ना तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता है, तो दूध भी मैंने गरम कर दिया है। तो दोस्तों दीदी ना यहाँ पे हमारे लिए लाई है, क्या चाहिए भाई, चाउमीन चाउमीन। तो अभी खोली के दिखा उधर से पानी का। तो ये आ गई है हमारी न्यू ईयर की पार्टी, अभी थोड़ी देर में दीदी ने केक भी ला रखा है। तो ये है चाउमीन, थोड़ा सा गिर गई है लेकिन अभी खाते हैं हम, अब केक भी, तो केक भी खाएंगे हम थोड़ी देर में। तो अभी हो रही है इधर दोस्तों, अभी ना हम खा रहे हैं चाउमीन, जो कि मैंने आपको बता दिया है मैं इतना नहीं खाऊँगी, मैं थोड़ा सा ही खाऊँगी क्योंकि तबीयत भी मेरी सही नहीं है। तो अभी ना दीदी लेकर आए, वो जा रखे थे मार्केट, तो वही लेकर आए चाउमीन, और अभी ना उन्होंने केक भी ला रखा है, तो केक भी अभी अब मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। तो चाउमीन अभी हम खाते हैं दोस्तों चाउमीन। तो चाउमीन खाने के बाद थोड़ी देर में मिलती हूँ, जब केक काटेंगे ना उस टाइम पर मिलती हूँ आपसे। तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर में मिलती हूँ अभी ना। चाउमीन ला मतलब बहुत है लेकिन मैं नहीं खाऊंगी इतना, मेरा मन भी नहीं है और तबीयत भी मेरी सही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ना न्यू ईयर का केक ला रखा है दीदी ने, सारे बच्चे इकट्ठा हो गए हैं और केक काट रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे केक खाने के लिए तैयार हो गए थे दोस्तों। और यहाँ पे क्योंकि ना बच्चे केक काटते हैं, और अभी बच्चे और इस तरीके से रहा हमारा साल का पहला दिन दोस्तों 2024 का पहला दिन दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाया हमने। तो ये अभी आपको देख लीजिए, अभी आप बच्चे यहाँ पर केक काट रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद डीजे वगैरह लगाया, जैसे बैग वगैरह थोड़ा सा नाचे, और हमने नया साल की शुरुआत में शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से की दोस्तों, और 2023 की तरह 2024 भी अच्छे तरीके से मनीष का दीदी मनीष का खले कभी दोस्तों, और इसी तरीके से अभी आप ना तो होने नहीं बता थोड़ा थोड़ा सबको दोस्तों। अभी मैंने भी ना एक चम्मच में एक बाल्टी ले रखा है, आपको दिखा रही हूँ, ये वो फैली आप देख सकते हो, और मैं आपको दिखा रही हूँ
एक केक को दोस्तों, और मैंने एक ही चम्मच लिया पहले, और उसके बाद दोस्तों हमने भी थोड़ा थोड़ा केक खाया, सभी ने भी खाया दोस्तों केक, और उसके बाद आ गए थे हम रूम पे, टाइम भी हो गया था दोस्तों। इस तरीके से रहा हमारा नया साल का पहला दिन दोस्तों, कुछ मीठा खा के, और मीठा खा के ही शुरुआत हुई और मीठा खा के ही शाम हुई दोस्तों हमारी। तो इसी तरीके से रहा हमारा 2024 का पहला दिन दोस्तों। तो सुबह का शाम का मैंने बताया, दोपहर में क्या बताना था उसमें, दोपहर को मैं हमने लंच किया, राजमा की दाल चावल बना रखे थे मैंने, वही था मेरा आज दोपहर का लंच दोस्तों, तो वो मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद शाम को मैंने बताया और सुबह का मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों। अगर आपको ना मेरी वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग में और एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और गुड नाइट। अभी ना टाइम भी बहुत हो गया है, 9:30 हो गया है टाइम, तो चलिए दोस्तों बाय बाय।